Good afternoon. I am Mrs. Devaki Shetty and I am associated with Dr. Uday Shah from the last 11 to 12 years. This is my probably 12 and a half years complete hone ko aaya hai. And we are doing a research work in spirituality with scientific evidence. So today my topic is child psychology. How to know the qualities of your child. ये आज के सोसाइटी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, चाइल्ड एंड पेरेंट्स रिलेशनशिप. यस और नो? राइट ना? सो पेरेंट्स आर यूजुअली द फर्स्ट पीपल अ चाइल्ड लर्न्स टू ट्रस्ट. पेरेंट्स एंड फैमिलीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल इन चिल्ड्रंस लाइफ. द मेनी डिफरेंट रिलेशनशिप्स पीपल फॉर्म ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ टाइम, द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड इज अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वी से कि जैसे पेरेंट्स का क्वालिटीज़ है वैसे बच्चे लोग का क्वालिटीज़ होता है. दिस इज़ थ्रू, एक्चुअली इट इज़ थ्रू, बिकॉज वॉट एवर द चाइल्ड ग्रैब्स इट्स फ्रॉम द वूम इट्सेल्फ. जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तब से उसके ऊपर संस्कार होने को चालू होता है. एंड संस्कार नॉट ओनली ऑफ मदर बट बोथ ऑफ देम, फादर एंड मदर. And then as he grows up slowly and slowly, he catches one quality of either the father or the mother. So this is the time when the parents should be alert ki they should not behave in a unwanted way in front of the child. What is necessary for the child, that only they should do. But actually aisa hota nahi hai due to circumstances and everything. Next is parenting is the process of raising and educating a child from birth until adulthood. Just now I said that only. This is usually done in a child's family by the mother and the father, the biological parent. Mother is the natural or social female parent of an offspring and father is traditionally the male parent of a child. Actually, generally what aise manyata hai ki मदर शुड लुक आफ्टर द चाइल्ड. पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी माँ के ऊपर डालते. कल को अगर बच्चा अच्छा निकला तो भी माँ के नाम से होता है, ख़राब निकला तो भी माँ के नाम से होता है. पर ऐसे नहीं सोचते कि फादर इज़ ऑल्सो दैट मच ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट इज़ द रिजल्ट ऑफ द चाइल्ड. राइट? हाँ, दोनों का 50-50 रहता है. एक्चुअली ना द लव बिटवीन अ पेरेंट एंड द चिल्ड्रन इज ऑलवेज एंड फॉर एवर. कोई माँ बाप अपने बच्चे को प्यार किया बिगैर नहीं रहता है. इज़ इट अ फैक्ट? राइट ना? सब लव करते हैं पर सबका लव करने का तरीका अलग रहता है एंड बच्चों का एक्सपेक्टेशंस भी अलग रहता है कि डिफरेंशिएशंस होता है, ये होता है. पर रियल लव इज़ लव, ऑलवेज लव. व्हाट हियर वी वांट टू सी इज़ द आर्ट ऑफ पेरेंटिंग. लव इज़ नेचुरल, लव तो ऑटोमेटिकली आता ही है. पर हमको क्या देखना है कि देर इज़ एन आर्ट ऑफ पेरेंटिंग एंड हाउ टू डू इट. क्योंकि जो आर्ट ऑफ पेरेंटिंग है ना, ये जो पहले के ज़माने में था इट वॉज देयर, बट आफ्टर दिस क्रेज ऑफ स्टडी एंड दैट हाई सोसाइटी एंड देन फेम एंड नेम, इसके पीछे वो कल्चर निकल गया, कल्चर भूज गया हंसते हंसते. ऐसे हो गया, इसके लिए ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आजकल. आजकल खाली कंपटीशन कंपटीशन इसके पीछे ही रहता है सब जन. फादर एंड मदर बोथ का लव एंड एनर्जी शुड बी इक्वल. अंडरस्टूड? फादर इज शिव एंड मदर इज शक्ति. सो बोथ का जो शिव एंड शक्ति जो हम बोलते हैं, शिव एंड शक्ति शुड बी बैलेंस्ड इन अ चाइल्ड. दैट टाइम उसका ग्रोथ अच्छा होता है, उसका सब एंगल से उसका सब बराबर होने को चालू होता है. गॉट इट? Now, what are the factors that influence parent-child relation? First is the family structure. Second, social and community support, relationship history, emotional system, temperament, parenting experiences, intellectual capacities, education, formal and informal, cultural context and experiences. Family structure. Now, the structure also bahut depend karta hai. How the child is coming up. Koi structure is very nice, very, means bolte na, base is very मजबूत, फर्म. सो द स्ट्रक्चर ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो बिकम्स फर्म, इज अपब्रिंगिंग बिकम. बट वेयर द स्ट्रक्चर एंड द दिस थिंग इज नॉट प्रॉपर बेस, देन द अपब्रिंगिंग इज ऑल्सो नॉट प्रॉपर. गॉट इट? सो वी शुड नॉट ब्लेम ईच अदर. एक्चुअली वी शुड सी वॉट इज द सर्कमस्टेंसेज, वॉट इज द
रीज़न बिहाइंड इट. वी जनरली वी एकदम से सबको नाम रख देते हैं, अरे ये बच्चा ऐसा है, ये माँ बाप ऐसे है. बट देर आर सर्टन रीजन्स बिहाइंड दैट, देर आर सर्टन सर्कमस्टेंसेज ड्यू टू विच द चाइल्ड और द पेरेंट्स को ऐसे लाइफ फेस करना पड़ता है, जहाँ पेरेंट्स को भी नाम रखा जाता है, चाइल्ड को भी नाम रखा जाता है. नेक्स्ट इज द सोशल एंड कम्युनिटी सपोर्ट. सी वी से वी शुड लिव इन अ गुड सोसाइटी विथ अ गुड रिलेशनशिप. वाई? बिकॉज दैट ऑल्सो काउंट्स ऑन द चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग. इफ़ यू आर नॉट लिविंग इन अ गुड सोसाइटी, नॉट इन अ गुड सर्कमस्टेंसेज, चाइल्ड को भी वो इफेक्ट हो जाता है बाहर का जो गलत चल रहा है वो सब. देन रिलेशनशिप हिस्ट्री. न एक का फैमिली में हेरिडिटरी से रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा, फैमिली में हमेशा झगड़ा रहेगा. माँ बाप के बीच में, माँ बाप के जो रिलेशनशिप्स के बीच में, उनके ससुराल, उनके ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इनके बीच में अगर रिलेशनशिप्स अच्छा नहीं है एंड हम अगर वो बच्चों के सामने डिस्कस करते हैं, तो नेचुरली द चाइल्ड ऑल्सो ग्रैब्स ऑल दैट क्वालिटीज एंड आगे जाके वो भी सोसाइटी में ऐसे ही बिहेव करने को लगेगा. उनको भी वो क्या करेगा, क्रिटिक बन जाएगा. जब भी कोई आएगा सामने तो वो पहला वीक पॉइंट ढूंढेगा कि अगर ये है क्या, ये ऐसा है क्या, ये वैसा है क्या, ऐसा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स लोग का इम्पैक्ट हो गया उसके ऊपर. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज द इमोशनल सिस्टम. नाउ सम पेरेंट्स बहुत इमोशनल रहते हैं बच्चे के बारे में. इतना भी इमोशनल्स होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत बोलते हैं ना, पॉजेसिव हो जाते हैं फिर, एंड दैट इफेक्ट्स द चाइल्ड. द चाइल्ड डजेंट शो इट, बट समवेयर इट इज इफेक्टेड. गॉट इट? देन टेम्परमेंट. सडनली वी ब्रेक डाउन, सडनली वी गुस्सा करते हैं बच्चे के ऊपर, सडनली वी ब्लेम देम, वी टेल देम एनीथिंग रॉन्ग, वी कंपेयर देम विद अदर चिल्ड्रेन. ये भी बहुत इफेक्ट करता है. हमारे टेम्परमेंट को कंट्रोल करने को हम पेरेंट्स लोग को आना चाहिए. कोई भी रीज़न होने दो, हमको बाहर से कुछ हुआ होगा, हमारे फैमिलीज में कुछ इशू, तो हम जाके जाके किसके ऊपर निकालते हैं? दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि बाहर ऑफिस में कुछ हुआ तो आके हस्बैंड वाइफ के ऊपर, वाइफ को कुछ नहीं कर सकते किधर, तो जाके चिल्ड्रन के ऊपर उठती है. ये पूरा साइकिल एक हो जाता है फैमिली में, वो सिचुएशन इतना ख़राब हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो बच्चे को फिर इफेक्ट हो जाता है यंग एज में. फिर पेरेंटिंग एक्सपीरियंसेस, जो हमको एक्सपीरियंस मिला फ्रॉम आर पेरेंट्स, मीन्स हमारे पेरेंट्स ने हमको कुछ दिया नहीं, कुछ किया नहीं हमको फ्रीडम, तो हम वही कल्चर हमारे बच्चे को करने को देखते हैं, वही रूल्स एंड रेगुलेशन हम बच्चे के ऊपर डालने को देखते हैं कि नहीं मैं ऐसा था ना, इसके लिए आप भी ऐसे करो, हमारे कल्चर में ऐसे, हमारे इसमें ऐसे, हमारे सोसाइटी. ये इधर भी हमको बहुत इफेक्ट हो जाता है रिलेशनशिप में, चाइल्ड एंड पेरेंट्स रिलेशन. देन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी. हम देखते हैं कि हमारे बच्चे होशियार होना चाहिए ओनली इन स्टडीज़. अभी का तो वही चल रहा है कि खाली स्टडीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहा है. अरे बच्चे के क्वालिटीज़ कुछ अलग रहेंगे. हम खाली स्टडी, स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इट इज़ अ पिलर, बट डोंट फोकस ऑन इट ओनली ना, फोकस ऑल अराउंड. सब चीज़ को देखो ना, बच्चे में क्या क्वालिटीज़ है क्या नहीं है, तब जाके हम बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए. नेक्स्ट इज़ एजुकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ, एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सपीरियंस. एजुकेशन में भी आजकल ऐसे हो गए हैं, पहले तो एक ही यूनिवर्सिटी था, आजकल कितने सब अलग अलग निकले, CBSE एंड देन दिल्ली यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, पुणे. इसमें डिफ्रेंसिएशन हो गया है, जहाँ जाके सफरिंग कौन होता है? बच्चा. बच्चा सफ़र होता है तो नेचुरली पेरेंट्स भी सफ़र होते हैं, है कि नहीं? कितना ये सोसाइटी इतना अभी ये हो गया है कि घूम फिर के जाता है वो फिर बच्चे के ऊपर, एंड देन वी से आज के जनरेशन बरोबर नहीं. क्यों नहीं बराबर है? आप उनका देखो ना कैसा है, कैसे अपब्रिंगिंग हुआ, कैसे उनके ऊपर फोर्सिंगली सब डाला गया है. हमारे जनरेशन ऐसे नहीं थे जो पहले के, हमको फोर्सिंगली कुछ नहीं था, वी वर फ्री इन दैट स्टेट जो पहले के ज़माने में. इसके लिए वो ज़माने के सब डॉक्टर्स इंजीनियर्स कितने हाई क्वालिटी के हो गए, बिकॉज पेरेंट्स लोग का एक विश्वास था बच्चों के ऊपर तब, वो ज़माने. अब ऐसा नहीं, पेरेंट्स दे हैव बिकम वेरी पॉजिटिव एंड इनको हर घड़ी सब में डाउट रहता है कि मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, मेरा बच्चा ऐसा है. कंपैरिजन. द डेफिनेशन इज द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कंसिस्ट ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियर्स, फीलिंग्स एंड एक्सपेक्टेशंस दैट आर यूनिक टू अ पर्टिकुलर पेरेंट एंड ए पर्टिकुलर चाइल्ड. द रिलेशनशिप इन्वॉल्व्स द फुल एक्सटेंट ऑफ द चाइल्ड्स डेवलपमेंट. जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन दिस ओनली. नाउ देर आर पेरेंटिंग स्टाइल्स.
how are different types of parenting styles and how are the outcome on the children. That we'll look now forward. First style is the democratic parent. Freedom with its limits. Democratic parenting is the middle ground approach and is often considered the parenting idol. Democratic parenting is based on warmth, love, guidance and positive discipline. Means you should love also, you should guide them also. Jab zarurat padi to unko bomb bhi marna chahiye, thoda maar bhi dena chahiye, sab. Wo stages mein unko wo dena zaruri bhi hai. Aise nahi ki hum khali bachche ko free chode. Aise nahi hota hai. Some situation mein hum unko control bhi karna ko dikhana chahiye and utna hi free bhi rehna chahiye. So inka outcome kaisa hota hai dekho. Ye jo bachche hai na, badhte hai to ye log happy rehte hai almost. Mostly self-reliant rehte hai. They become mostly self-controlled, content, friendly, generous, cooperative, high achievers. Ye bachche ka results aise nikalte hai, jiske parents democratic hai. Second type of parenting is permissive parent. Freedom without limits. Jo aajkal ke service parents ke saath hote hai. Because service parents, they are always busy. They are tired, they are physically tired, they are mentally tired. So they think ki we are earning, no? We can give money and we can give love to the child. But money doesn't give love to the child. Child needs emotional love also, physical love also, mental love also. Plus money ka bhi jo bhi milta hai, wo bhi chahiye. But ye kya hota hai idhar? Ki khali money se hum sab unke expectations ko fulfill karte hain. Humko lagta hai hum unko laake diya utne mein, chalo shant hua na. We are also free, they are also free. On the other extreme of parenting spectrum is permissive parenting. As the name suggests, permissive parenting is more of an anything goes attitude. These parents do not attempt to exert any sort of control over their children. Green signal. Huh? Green signal. Means they think that we give money. The first one was better, red, yellow, green. Democratic, yeah. That is the real idol parenting. Like a signal, you know, green, red, yeah. Then yellow, then green. Yeah. Green. Green, bas. Do whatever you do, go, jao, leo, karo. Means, wo burden nahi chahiye. Because actually, dekhne ko chahiye, to parents log ka bhi galti nahi. They are already tired with that office ka work, with their physical health, with their mental health. Somewhere, they are also suffering only. So, पर उनको सब देने का है, अपने बच्चे को सब देना है. तो ये लोग ऐसे इनको सकते लगता है कि हम पैसे से सब खरीद के दे देंगे. बट पर पैसे से सब खरीदा नहीं जाता है. अच्छा, वो बुरा का सजेशन तो देना पड़ेगा. हाँ, वो तो देना ही है. बट अदरवाइज दे डोंट नो व्हाट इज गुड व्हाट इज या वो भी नहीं होता है ना. आजकल के पेरेंट्स लोग को वो भी टाइम नहीं है. टाइम ही नहीं है ना. वन डे दे गेट तो वन डे भी उनको उनका ही काम का सब रूटीन हो जाता है. तो वन डे में भी वो लोग अगर साथ में रिया तो भी चाइल्ड इज इन अ रूम वॉचिंग टीवी मोबाइल एंड दैट ओनली एंड पेरेंट्स आर विद्यावक. तो कम्युनिकेशन ही नहीं है ना. मेन प्रॉब्लम वही होता है कि कम्युनिकेशन गैप हो गया है. अभी बहुत ऐसा हो गया. इनके बच्चे लोग कैसे होते हैं देखो. दे बिकम एग्रेसिव, लीस्ट सेल्फ रिलायंट, लीस्ट सेल्फ कंट्रोल, लीस्ट एक्सप्लोरेटरी एंड मोस्ट अनहैप्पी. क्योंकि उनको वैसे ही अपब्रिंगिंग मिला है ना. दे आर ऑलवेज अनहैप्पी. कितना भी उनको पैसे से दो, दे आर नॉट गेटिंग दैट रियल लव. रियल लव जब मिलेगा तब वो बच्चा हैप्पी रहेगा. नेक्स्ट, दिस इज द थर्ड टाइप, अथॉरिटेरियन. लिमिट्स विदाउट फ्रीडम. दीज पेरेंट्स आर एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट एंड आर ऑफन कोल्ड. दे कम्युनिकेट थ्रू लेक्चर्स, येलिंग, पनिशमेंट्स एंड वन साइडेड डिस्कशंस. ये पेरेंट्स इतना नॉट वेरी ऑफन. दिस आर द डिफरेंशिएशन ऑफ द पेरेंट्स. नहीं, आई हैव टोल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ पेरेंट्स मीन्स रहता है. सम पेरेंट्स आर देयर हु आर वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट. दे आर वेरी स्ट्रिक्ट मीन्स वेरी स्ट्रिक्ट. सी नाउ एसएससी एग्जाम्स आर कमिंग, सो दे विल क्लोज ऑल द केबल मोबाइल. व्हाई, व्हाट इज द डिफरेंस? अभी आप या एंड दे इंस्ट्रक्ट ऑल द रिलेटिव्स की डोंट कम टू आवर हाउस. व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट? देखो, बच्चा पढ़ रहा है, अगर उसको करना है तो ही ऑटोमेटिकली डू इन एनी थिंग. आप आने दो या नहीं आने दो, पहले के ज़माने में कहाँ देखते थे? पढ़ाई तो पूरा बरस करना चाहिए. करना चाहिए. इट्स नॉट दैट एग्जाम के टाइम.
अभी जैसे एसएससी का एग्जाम, एक तो बच्चे लोग क्लासेस जाके जाके थक जाते, ऊपर से घर में आके भी उनको यही एटमॉस्फेयर मिलता है। तो आप बोलो एसएससी में जो फर्स्ट आया, आज के बाद उसके नाम फिर क्यों नहीं आते वापस? वो एक बार आते हैं खाली नाम, बस उसके बाद तो कंटिन्यूस आना चाहिए ना। अगर ही इज़ रियली इंटेलिजेंट, रियली अच्छा है स्टडी में, तो एवरी ईयर क्यों नहीं आता है मेरिट लिस्ट? क्यों नहीं? वो फोर्सफुली वो टाइम लिया जाता है, फोर्सफुली उनके ऊपर थोपा जाता है, ये क्लासेस जाओ, वो क्लासेस जाओ, आप टीवी नहीं देखोगे, आप फ्रेंड्स से बात नहीं करोगे, आप फ़ोन कॉल्स नहीं अटेंड करोगे। और जैसे बच्चे को बिठाते 12 बजे तक, 6 बजे सुबह, 4 बजे, वैसे पेरेंट्स लोग भी 12 बजे तक बैठते, सुबह 4 बजे उठते। ये लोकल ट्रेन में डिस्कशंस सुनने चाहिए आप, इनमें ये लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी मेरा बच्चे का तो मैं लीव लेती हूँ। एसएससी एग्जाम बच्चे का और पेरेंट्स लीव लेते हैं, व्हाट्स द मीनिंग? इट्स टू मच, वेरी मच। दैट्स इट। देन बच्चे जब थोड़ा आउट जाता है ना कॉल, दे बिकम बस दे। हाँ वही तो, बच्चे फिर एकदम ही फ्रीडम हो, फ्री हो जाते हैं। देन दे स्टार्ट टेलिंग लाइज, दे गो द रॉन्ग वे, एवरीथिंग स्टार्ट्स। फिर वापस रोता है कौन है? पेरेंट्स ही रोता है। पहले भी पेरेंट्स रोता है, बाद में भी पेरेंट्स ही रोता है। देना पड़ता है ना। गाइडेंस देने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको फोर्सफुली करो कुछ भी। हमारे पास रहते हैं जब तक बड़े बड़े, when they go out, we can't do anything. I'll tell you in this, आगे कैसा होता है देखो। Now, जो बहुत स्ट्रिक है उनके ऐसे होते हैं देखो, obedient, distrustful, no expression of freedom, withdrawn, unhappy, hostile and not high achievers. They can't get in any field. सब में उनको एक nervousness factor आ जाते हैं ऐसे बच्चे लोग, क्योंकि always उनको restrict किया। हाँ, शाय ऑल्सो एंड रेस्ट्रिक्ट किया जाता है ना समवेयर। हम ही उनको वो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स डाल देते हैं अंदर कि तू नहीं आगे जा सकते, तेरे को हम लोग नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसे होता है इनके ऊपर। एवरी चाइल्ड इज़ परफेक्ट, वी नीड टू डू नथिंग टू फिक्स, रिपेयर, इम्प्रूव और एडुकेट देम फ्रॉम बर्थ। सी नाउ यू कंपेयर योर सेल्फ विथ योर पेरेंट्स लाइफ वेन वी वर देयर, हाउ मच आवर पेरेंट्स लुक्ड, हमको कितना स्कूल का बुक्स देखा गया, कितना होमवर्क्स किया गया। हम हमारे लेवल से करते आते थे पहले ज़माने में सब, ना पेरेंट्स लोग ने कभी बुक्स चेक किया, ना कभी पेरेंट्स मीटिंग बुलाया गया था, ना रिजल्ट देने को बोला। आज स्कूल्स में भी ऐसे हो गए, एवरी वीक में ओपन डे रहते हैं, एवरी मंथ में ओपन डे रहता है। क्यों? वाई? ओनली टू मेक द डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द चाइल्ड एंड द अदर चाइल्ड एंड मार्क्स के ऊपर। तो इधर भी वो बहुत ख़राब इम्पैक्ट होता है बच्चे के ऊपर। फिर वो बच्चा पेरेंट्स देखता है, अरे वो बच्चे को इतना मिला है, फिर घर में आके वापस कंपैरिजन। लोग जितना कंपटीशन को डरते नहीं उतना पेरेंट्स डरते हैं, आजकल वही हुआ है। एंड उसके पीछे पेरेंट्स लोग इतना दिमाग डालते हैं ना, यू शुड एक्चुअली सी द सीन, कितना वो प्रोजेक्ट वर्क हो, इसके वर्क सबके पीछे पेरेंट्स लोग ही भागते रहते। एंड दे खाली भागते नहीं, दे आस्क फ्रॉम एवरीवन, उधर जाके पूछेंगे, इधर जाके पूछेंगे, फिर फोन कॉल्स रहता है उनका, वही टॉपिक्स कंटिन्यूस रहता है। इनसिक्योर एंड फियर फैक्टर मोस्ट इज द कॉम्पिटिटिव फैक्टर। कॉम्पिटिटिव मीन्स माई चाइल्ड ओनली शुड शाइन, मेरा चाइल्ड ही खाली आगे आना चाहिए। इधर है ना पेरेंट्स लोग मारा, अरे नहीं नहीं, वी हैव कम अक्रॉस दैट। That only, I'll tell you again now, parents should learn from their children. No matter how much you love your child, their life, her life is hers and not yours. Please do not live it for her. Actually, we are doing that. We are living for the child. We should guide them, show them their way and leave them. Support them in every angle. Then destiny to uska hi hai. हमने नहीं उनका डेस्टिनी क्रिएट किया, हम एक मीडिएटर हो गए उनको ये वर्ल्ड में लेके आने के लिए। पेरेंट्स आर ओनली एन इंस्ट्रूमेंट टू ब्रिंग द चाइल्ड इनटू दिस वर्ल्ड। द चाइल्ड हैज़ द ओन डेस्टिनी। वो बच्चा उसका खुद का डेस्टिनी लेके आया है, तो उसका डेस्टिनी को हमको सपोर्ट करना है। समझ में? एक टॉक में हमने देखा था कि उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था बो एंड एरो का। Bow and arrow. See, we are the bow, parents are the bow, and the arrow is the child. So the arrow has come with the master's this thing. Wo point leke aaya, master ne usko point dala hai child ko, ki you have to go to this destiny. Now the bow, what it does, it
खींच रहा है एरो को एंड उसको खाली सपोर्ट दे के आगे ढकलता है. तो दैट इज द वर्क ऑफ द पेरेंट्स. उसको सपोर्ट दो, पेरेंट्स उसका डेस्टिनी को सपोर्ट दो. या ओन दिस थिंग, दैट इज द थिंग. एक्चुअली फर्स्ट में वही हुआ था, पहले जमाने के लोग का वही था ना. दे लेफ्ट देयर नेटिव प्लेस एंड दे केम टू बॉम्बे, अ न्यू प्लेस. हु आर देयर टू गाइड देम? नोबडी. जस्ट विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द पेरेंट्स एंड द सपोर्ट ऑफ द पेरेंट्स दे केम. नॉट इन मनी ऑल्सो, मनी तो सपोर्ट ही नहीं था पहले के लोगों को. खाली एक पेरेंट्स लोग का ब्लेसिंग्स लेके वो लोग बॉम्बे आके आज के दिन कितने बड़े बड़े लोग हो गए सब. है कि नहीं? चिल्ड्रेन डू अप्रिशिएट क्लियर, आई यू सेड ना अंकल, चिल्ड्रेन डू अप्रिशिएट क्लियर गाइडलाइंस एंड एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन डन ऑन वन टू वन रिस्पेक्टफुल नोट. गाइडलाइंस देना ज़रूरी है, पर कैसा है ना, साथ में बैठ के रिस्पेक्टफुल नोट. मीन्स बच्चे को भी उतना ही रिस्पेक्ट दो, भले वो हमारा बच्चा है, भले हम. सो इसमें आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ. When I talk with my son, na, we cry also. Both of us cry. Both of us talk also. I shout, he also tells, we back answer. Everything hota hai. But last mein we come in a respectful note. Hum shant ho jate. It means ek dusre ka views samajh jate. This is also very necessary. From time to time you have to do this. Ye bahut zaruri hai. Aise nahi ki hum free hai, hum bahut ekdam ye hai, jaane do, hamara bachcha bhi bahut achcha hai, chhod do. It's not that way. बच्चा कितना भी बड़ा होगा तो ही उसका लव पेरेंट्स के लिए अलग ही रहता है. एंड पेरेंट्स का बच्चे का लव भी पेरेंट्स के लिए अलग होता है, पेरेंट्स का लव भी बच्चे के लिए अलग होता है. तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी. कुछ हमको लग रहा है कि बच्चा गलत जा रहा है, बच्चा का कुछ नहीं हो रहा है, ही इज़ ऑल्सो दिस थिंग. तो हमको टाइम में, एक टाइम में उनको बिठा के गाइडलाइंस देना भी बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं, पर रोज़ देना भी ज़रूरी नहीं, रोज़ भी है. हाँ, इंफर उधर आ जाता है, ऐसे भी नहीं होना चाहिए. दैट इज़ नॉट, दैट शुड नॉट हैपन. हम साथ में बैठ के करो ना, उनका एक फ्री टाइम देखो, हमारा फ्री टाइम देखो, तब बैठ के करो. सामने किसके सामने इंसल्ट मत करो किसको भी, बिकॉज दे आर ऑल्सो हैविंग सर्टन क्वालिटीज, सर्टन दिस थिंग, रिस्पेक्ट. चिल्ड्रेन डिजर्व फ्रीडम विच इज़ बोथ ए बर्थराइट एंड एन एसेंशियल टू ऑल पॉजिटिव डेवलपमेंट. Which I said just now, helping children to channel their energy and making plenty available for healthy exploration to be our primary goal. ये parents लोग का goal रहना चाहिए, to help the children to use their proper challenge with their energies, their energy, not our energy. Actually, what is happening? We are giving our energy to them in this society. उधर parents is also disturbed, child is also disturbed. हाँ, वही तो हो रहा है ना, वही. इसके लिए फिर वो चिल्ड्रंस डिस्टर्ब हो रहा है. डीप रिस्पेक्ट एंड पॉजिटिव अटेंशन इज द ओनली मैच्योर रिएक्शन एन एडल्ट कैन ऑफर टू ए चाइल्ड, इवन एंड स्पेशली इफ द चाइल्ड इज क्रैंकी. वॉट एवर टाइप ऑफ योर चाइल्ड इज, ट्राई टू रिस्पेक्ट हिम, ट्राई टू गिव लव टू हिम. इधर भी पेरेंट्स लोग का बहुत प्रॉब्लम होते हैं. दे स्टार्ट डिफ्रिशिएटिंग between their own children. Suppose a parent, now I am having two children or three children. Suppose my one son is very good in education and my one daughter is not in good. So I'll every now and then मैं उनको compare करता रहेगा, तो किसका खराब होता है? उसके सामने मैं बोलेगा कि अरे देख, तेरा brother कितना होशियार है, तेरा तू क्यों नहीं इतना होशियार करता है? देखो, हमारे जीन से ही आया है, एक ही parents के जीन से दो तीन ऑफ स्प्रिंग्स निकला है, पर देयर डेस्टिनीज आर डिफरेंट, देयर क्वालिटीज आर डिफरेंट. यू कांट एक्सपेक्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू बी सेम. यस, या राइट. या इट, राइट राइट. सपोज माई सन इज स्टडी गुड इन स्टडी, माई डॉटर विल बी गुड इन स्पोर्ट्स, सो आई हैव टू गिव सपोर्ट टू हर इन द स्पोर्ट्स लेवल. Someone will be good in dance, someone will be good in singing. You have to see their natural qualities. Udhar unko support karo. Par aaj ke zaman mein kya hota hai? Khali studies, studies, studies. And jaake kya ho raha hai? Fir IT mein jao, ya to medical mein jao. Yehi ek engineering, yehi ek 3-4 field ko importance. Hidden hi reh jata hai. And why that suicide cases in ITs and engineering?
What is the reason? Because the parents are imposing their likes and dislikes. Yeah. मेरा बच्चा इंजीनियर होना चाहिए. हाँ, ओके. मेरा बच्चा डॉक्टर होना चाहिए. बराबर है. उनका जो अनफुल्ड विशेज है ना, दैट दे वॉन्ट टू सी इन दैट चाइल्ड, इधर वो मार होता है, इधर है. देन वो चाइल्ड क्या, पेरेंट्स एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, पेरेंट्स का सब सुनता है, करता है, हो जाता है. पर लास्ट में क्या होता है, व्हेन ही इज डीपली डिप्रेस्ड, जाके फिर सुसाइड केसेस. नहीं क्या, नहीं चाइल्ड क्या है, 2 to 5 6 इयर्स वन वे. या एक्चुअली कैसा है ना, अप टू 5 or 6 ईयर्स, ऐसे वैदिक में बोला जाता है कि अप टू 6 ईयर्स, बट हमारे मेडिकल साइंस में बोलते हैं 5 ईयर्स. 5 ईयर्स तक वो मम से ज़्यादा, मम्मी से ज़्यादा कनेक्टेड रहता है. एंड आफ्टर 5 or 6 ईयर्स फादर से ज़्यादा कनेक्शन रहना चाहिए. सी दैट इज़ द साइंस बिहाइंड दैट, कि ये दोनों का इम्पैक्ट बरोबर रहना चाहिए चाइल्ड के ऊपर, तब जाके उसका बैलेंस्ड ग्रोथ होता है चाइल्ड का. सब क्या होता है कि मम्मी ने देखने को चालू किया तो सब जन मम्मी के ऊपर ही छोड़ देता है. इट्स वेरी रॉन्ग. जितना मम्मी का काम है उतना ही डैडी का भी काम बनता है, कि सर्टन एज के बाद वो भी बच्चे को उतना ही गाइडलाइंस दे, उतना ही उनका कम्युनिकेशन हो, उतना ही उनको टाइम देना चाहिए. एक बोला जाता है ना, गिव क्वालिटी टाइम नॉट क्वांटिटी टाइम. जो भी आप टाइम देते हो वो क्वालिटी रहना चाहिए उसके पीछे. भले आप हाफ एन आवर का दो चाइल्ड को, बट इट शुड बी अ क्वालिटी बिहाइंड दैट. क्वांटिटी, आप अखा दिन भर बच्चे के साथ रहो, उसको खाली खाने को दो, पीने को दो, बट नॉट, नो डिस्कशन, नो एनी दिस थिंग, किधर जाना नहीं, कुछ बातें नहीं करना, तो क्या मतलब है? आप बोलोगे मैं तो अखा दिन था घर में बच्चे के साथ, कुछ नहीं होता है वो. तो दैट टाइम दोनों का एनर्जी का नेसेसरी रहता है उसको. यही टाइम है जब उसको शिव एंड शक्ति का, क्योंकि वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि बाहर की दुनिया देखने को चालू करता है. ही और शी स्टार्ट स्टडिंग द आउटर वर्ल्ड. तो उनको तभी दोनों का सपोर्ट का जरूर रहता है. इसके लिए पहले क्या होता है, 5-6 साल तक वो ज़्यादा तो घर पर ही रहता है. अभी सब 3 and a half ईयर्स में स्कूल में, पहले भी तो 5 ईयर्स में डालते नहीं थे स्कूल में, अप टू 5 ईयर्स स्कूल में ही रहते थे, घर पे ही रहते थे बच्चे. तो वो बराबर मदर का सब अच्छा मिलता है उसको. पर आफ्टर दैट जब स्कूल जाने को लगता है तो वो बाहर की दुनिया देखने को चालू करते हैं. देर ही शुड गेट दैट लॉजिक माइंड ऑफ द फादर ऑल्सो. उसके भी नॉलेज उसको मिलना ज़रूरी है. वो होता नहीं है आज के ज़माने, वो भी नहीं होता है. अभी तो दोनों फादर एंड मदर दोनों ही बिजी हो गए. द फाइनल डिसीजन ऑन वॉट टू डू विथ दिस टाइम, वेयर टू फोकस एंड हाउ टू स्पेंड इज एनर्जी लाइज विद ई चाइल्ड. आप कितना भी बोलो बच्चों को, कितना भी पर वो कहीं ना कहीं उसका काम वो करता ही रहेगा. डर के मारे वो बोलेगा नहीं, पर कभी तो इनसाइड अपना काम चालू ही रहता है उसका. क्या होता है कभी, इवन ही गोस आउट, ही कम्स इनटू कांटेक्ट विद डिफरेंट टाइप ऑफ चिल्ड्रन. बैड थिंग्स, दैट्स आई टोल्ड ना, दैट टाइम बोथ द गाइडलाइंस शुड बी प्रॉपर, बैलेंस में रहना चाहिए. मदर एनर्जी भी उतना ही मिलना चाहिए, फादर एनर्जी भी उसको उतना ही मिलना चाहिए, तब जाके वो प्रॉपर ग्रोथ होगा बच्चे का. देर आर टाइम्स वेन हेल्प इज अ हिंड्रेंस एंड यू कैन क्रिपल द वन यू विश टू एनकरेज बाई नॉट लेटिंग देम टू ट्राई. ये भी होता है, बहुत ज़बरदस्ती किया जाता है बच्चे को. अगर कुछ ड्राइंग बोलते हैं तो उसको नहीं छोड़ेंगे, पेरेंट्स ही करके देते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे का नाम आने दे, एक गुड मिलना चाहिए करके. पेरेंट्स लोग ही उसके ऊपर वर्कआउट, क्राफ्ट वर्क कुछ दिया जाता है. अभी तो लेटेस्ट एग्जांपल इज ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क. बच्चे ट्राई करने दो, हाँ सब घर वाले के ऊपर लोड है. दे गो टू दैट व्हाट साइबर कैफे, उधर से इंफॉर्मेशन लाते हैं, किसके पेन ड्राइव से इंफॉर्मेशन लाते हैं, सब लाके खुद ही सब करके देते. तो बच्चा का क्या रोल हुआ इधर, ही गॉट द रेडीमेड थिंग. तो हाउ यू कैन क्लैरिफाई हिज क्वालिटी देन. हाँ, विदाउट प्लानिंग, विदाउट एनी हार्डवर्क, आपको आप लाइमलाइट में रहना चाहिए. ऐसे उनके वो माइंड में ठोपा जाता है, हैमरिंग किया जाता है. तो बड़ा जाए, बड़े होके भी बच्चे को फिर वही क्वालिटी होता है कि मेरे को रेडीमेड मिलने दो सब. आजकल के बच्चे लोग देखो, जो ग्रेजुएशन हो जाते हैं, दे आर नॉट रेडी फॉर लो पेमेंट जॉब्स. जबकि हमारे ज़माने में हम लोग ने
5000 क्या 1500 रुपया का भी काम किया. वी डिडंट सी द एजुकेशन लेवल, वी सॉ द मनी एंड द क्वालिटी. व्हाट हमको सीखना था हम लोग आगे हैं. आज के बच्चे लोगों को बोलो 5000 का पेमेंट है जाओ, नहीं सुनेंगे. दे वॉन्ट हाई पेमेंट, 25-30,000 इमीजिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन विदाउट एनी एक्सपीरियंस. क्यों हो रहा है ये? क्योंकि उनको वो डाला गया था ना समवेयर, वो बैठ गया कि नहीं कुछ करो तो एकदम हाई लेवल, आप नीचे से जाओ ही मत, तुम्हारा आपको सब अच्छा ही मिलना चाहिए. है क्या नहीं? ये एक बड़ा हिंड्रेंस है आज के दिन में. स्टॉप एडिक्टेड टू वीडियोस एंड मोबाइल गेम्स. पेरेंट्स एडिक्ट हो गए तो बच्चे लोग क्या करेंगे? नहीं मानते. 6-6 घंटा व्हाट्सएप चलता है, दैट इज द मेन थिंग ड्रॉबैक ऑफ टुडेज चिल्ड्रन. नहीं होता है. देखो इधर क्या है ना प्रॉब्लम, दोनों का प्रॉब्लम. एक तो बच्चे लोग को बाहर का एक्टिविटीज नहीं मालूम, दे कांट गो आउट ऑफ द ब्लॉक सिस्टम, फ्लैट सिस्टम, सोसाइटी में अलाउड. दूसरा तो पेरेंट्स लोग नहीं रहते हैं घर पर आखा दिन, तो बोलते हैं कि रहने दो बच्चे लोग इसमें इन्वॉल्व रहने दो, एटलीस्ट दे आर सेफ विद दैट मोबाइल. बट ये सेफ्टी उनका कितना ड्रॉबैक्स करता है वो नहीं देखते है कि नहीं. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, अभी पेरेंट्स लोग को क्या करना चाहिए कि जब बच्चे को खेलना है तो लीव देम. इधर भी बच्चे लोग को रोका टोका जाता है कि उधर नहीं जाना, इसमें नहीं जाना, मट्टी में मत खेलो, पानी में मत खेलो. लीव देम फ्री, नो बी, लेट देम बी विद द नेचर, दे विल ग्रो अप लाइक दैट ओनली देन. सब नेचर से लर्न होता है एक्चुअली, वही है. हम वहीं को ही जाना है ना. सी फाइव एलिमेंट्स का एनर्जी इधर ही मिलेगा उनको, घर पे नहीं मिलेगा वो लैपटॉप एंड मोबाइल से सब नहीं मिलेगा उनको, इनको इधर मिलेगा भाई. एंड व्हेन दे आर स्टडिंग लेट देम स्टडी स्ट्रिक्टली. नहीं ऐसे नहीं होल डे स्टडी करो, मोबाइल बंद किया, टीवी बंद किया, केबल बंद किया, रिलेशंस लोग को आने का बंद किया, फ़ोन कॉल्स बंद किया. ये तो ज़बरदस्ती स्टडी हुआ, वो कितना स्टडी करेगा उसमें. उनको वो टाइम भी फ्री छोड़ो ना, देखने दो ना वो टाइम भी सीरियल्स. वही फिर क्या होता है, उसको इधर बिठाया जाता है स्टडी करो, एंड पेरेंट्स अंदर के रूम में टीवी में चालू रहते हैं सीरियल से, तो बच्चे का अटेंशन किधर रहता है ज़्यादा. कितना ये क्वालिटी खराब हुआ है ना. और हम बोलते हैं कि बच्चे को, आज के बच्चे लोग रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, आज के बच्चे लोग बराबर करते क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न, रीज़न ऑल दिस ओनली. बच्चे लोग को जो पेरेंट्स बोलेंगे वो नहीं करेंगे, जो पेरेंट्स करेंगे वो करेंगे. वही तो ना. प्ले गेम्स मोर आउटडोर्स, ये भी नहीं छोड़ा देते, भूल ही गया. एक्चुअली एक एग्जांपल, अभी हम लेटेस्ट पिकनिक गए थे तो हम उधर खो खो का अरेंज किया कि खो खो के लिए, तो ऑल जो बिलो फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे हैं ना वो बोलते हैं खो खो क्या है, दे डोंट नो खो खो, दे डोंट नो लंगड़ी. These are all exercise also and good games also. We used to play everything. Langdi, Khoko and wo jo chippa dal ke khelte the wo sab. Hide and seek. Haan. Aaj kal ke bache log hide and seek bhi nahi khelte. Hum log to kidhar kidhar seedhi ke niche hide karte the. Kiske sofa ke niche. Wo bhi nahi karte hai bache log. Aaj kal ke bache Candy Crush. Haan, wohi. Means mobile games and laptop ka games. Iske piche rehte hai bas. Full day. एंजॉय नेचर एंड नेचुरल फूड्स तो आजकल नो के बराबर ही हो गए. बर्गर्स, मैकडोनल्ड्स, यही सब फेमस हो गए. एंड हु आर द रीज़न? वी कांट ब्लेम द चाइल्ड, द मेन रीज़न इज द पेरेंट्स. घर में आके बनाने को टाइम नहीं, चलो मंगाया, मैकडोनल्ड से ऑर्डर दिया, आ गया, खाओ पिज़्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, बच्चे भी खुश, पेरेंट्स भी खुश. वो चपाती भाजी का सिस्टम ही गया, ढाल बात का सिस्टम ही गया. बहुत मीन्स किधर किधर इफेक्ट होता है. देखो व्हेन योर फाइव एलिमेंट्स आर नॉट इन बैलेंस, वो कैसे वो ग्रोथ होगा, कैसे उसका मेंटल लेवल काम करेगा बच्चे का. हम बोलते हैं आजकल के बच्चे रफ है, टफ है, सुनते नहीं है, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं देते. बाद में एक स्टेज के बाद पेरेंट्स लोग को लगता है कि वो सब करे. ऐसे थोड़ी होते, जब आप बचपन से उनको कल्चर दिखाते हैं, बताते हैं, तब जाके वो करते हैं ना. गर्ल्स भी आजकल ऐसे हो गए हैं कि चाय बनाने को आता नहीं है उनको. इतना मीन्स एक कप लाके किसको देने का चाय, वो भी नहीं सीखते हैं. क्यों? ये सब लाड़ प्यार किसका था?
पेरेंट्स लोग का ही था ना, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ऐसे करते सफ़र कौन होगा, बच्चे भी सफ़र करेंगे एक सर्टन स्टेज के बाद, एंड एक सर्टन स्टेज के बाद पेरेंट्स लोग को भी सुन सुन के सफ़र करना पड़ेगा, देख देख के सफ़र करना पड़ेगा। ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड, ये हमको सिखाना चाहिए बच्चे को कि यू ट्राई, नहीं आता है चाय बनाने को बनाओ, नहीं आता है खाना बनाने को बनाओ। आई थॉट माई सन, पेशेंस बढ़ता है फिर, और वो सीखते हैं। मैं खुद मेरे बेटे को सिखाया था फ्रॉम द फिफ्थ ईयर, फिफ्थ स्टैंडर्ड, क्योंकि आई वॉज डूइंग LIC एजेंट, आई वॉज अ टीचर, तो आई डिंट हैव दैट मच टाइम, सो आई थॉट हिम विथ अनदर एंगल पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने क्या सोचा, जब मैं नहीं है तो ही शुड मेक एंड ईट हिज फूड, एटलीस्ट एक ऑमलेट बनाने को आना चाहिए, एक चाय बनाने को आना चाहिए, चपाती तो सुबह हो जाता है कैसे भी, वो रहता है, पर उसको गर्म करके खाने को भी आना चाहिए। ऐसे मेंटालिटी से मैंने उसको प्रिपेयर किया, बट ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, वो खुद का क्वालिटीज उसमें बाहर आ गया फिर, समझ में आई। आई पुट माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑन हिम कि मेरे को टाइम नहीं है, मैं थक गया हूँ, या तो मेरा मीटिंग्स होता है, मैं रात को 11 बजे भी आती, तो ही शुड नॉट स्लीप हंग्री, ही शुड ईट समथिंग एंड ईट। तो वो मैंटेलिटी से मैंने उसको प्रिपेयर किया एंड ही गॉट हिज ओन क्वालिटीज आउट। फिर क्या हुआ, जब मैं नहीं रहती थी ना, तो वो खुद घर में चाय बना के देता था, एज अ बॉय खुद वो देता था सबको। एंड आज के दिन उसको ज़्यादा सब लोग ये करते हैं कि विनय कैसा है, हिज नेम इज़ विनय, ही इज़ अ ऑरा दिस थिंग इन दिस ओनली स्पिरिचुअल, ही हैड कम फॉर द सेशन ऑल्सो। सो ऐसा होता है, या ही इज़ माई चाइल्ड नाउ, ही इज़ ऑलराउंडर इन एवरीथिंग, इन स्कूल ऑल्सो मैंने उसको सब में छोड़ा कि जा करो जो मिलता है। सो ही वॉज अ फुटबॉल प्लेयर, स्विमिंग भी उसको आता है, क्रिकेट अच्छा था उसका, सब में उसका अच्छा था। देन ही लर्न डांस ऑल्सो, ही हैड गॉन टिल दैट बुगी बुगी ऑडिशन, सब क्या, पर क्या हुआ, बुगी बुगी ऑडिशन में भी आई सॉ देयर फेस टू फेस कि कैसे पार्शलिटी किया जाता है। देयर ओनली आई थॉट हिम, देखो जाओ अपने क्वालिटीज लेके आगे जाओ, पर ऐसे नहीं, पार्शलिटी नहीं होना चाहिए किधर, इफ़ यू आर टैलेंट है आपके पास तो आप आगे जाओगे। आई टोल्ड हिम देयर एंड देन ओनली, एंड उधर से हम वापस आए, एंड वे जैसे ही वापस आए ही यूज टू प्रैक्टिस, देन ही गॉट अ जॉब एज अ डांसर ऑल्सो, एंड किस में मिला, योगेश पटकर का इसमें मिला उसको, ही टू गो देयर टू टीच चिल्ड्रन। नहीं मिलता है तो वो उनका बिल्टअप ही नहीं होता है ना। सोल्यूशन मीन्स पेरेंट्स शुड लर्न नाउ टू डू ऑल दिस थिंग्स, हाँ, दे शुड गिव अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रेन। आप लोग सोसाइटी में कुछ तो भी फॉर्म करो ना, ऐसा एक ग्रुप फॉर्म करो कि जिधर बच्चे लोग एक दिन सब जन ये टाइम से ये टाइम को मिलेंगे, गेम्स खेलेंगे, वॉचमैन को उसके ऊपर नज़र रखने को। देखो हमको करना है ना तो बहुत सब रस्ते हैं, नहीं करना है तो एक्सक्यूजेज भी बहुत रहते हैं। You are willing, if you have that willpower, ki, we must do something for our children, they should come out of this. You can gather some people who are interested, you can make your own programs, set your own programs and do it na, in societies. And we are there to help you. We are now organizing these camps now. Abhi hamara next Diwali camp hai for children only, where we will be teaching all these qualities to them, how to do your own works, how to bring your qualities out in all aspects. स्टडीज, माइंड लेवल, इन गेम्स, एवरी थिंग। 5 डेज का कैंप रखा है हमारे इधर मुलुंड सेंटर में एंड उस लालबाग सेंटर में, पैरेलल चलेगा दोनों जगह। और इसमें हमने वो दिवाली छुट्टी देख के किया है, क्योंकि ये टाइम बच्चे लोग बहुत फ्री रहेंगे तो पेरेंट्स लोग को छुट्टी नहीं मिलता है उतना दिन, दे गो फॉर ओनली 3 डेज और कुछ छुट्टी में, तो दूसरे टाइम पेरेंट्स लोग को लगता है बच्चों को किधर रखना। तो दिस इज़ अ गुड टाइम कि वो आए हमारे पास सीखे, वी हैव ऑल द सॉल्यूशंस एंड दिस इज ऑल आवर रिसर्च वर्क ओनली, वील गिव देम दिस थिंग कॉन्सेंट्रेशन पावर कैसा चढ़। एक्चुअली क्या होता है ना, आज के ज़माने में मेन प्रॉब्लम इज द चाइल्ड डजंट हैज अ गोल, एंड वो गोल कैसे फॉर्म करना ये पेरेंट्स लोग सिखाते नहीं। सो हमारे इसमें एक सिलेबस है वे वी टीच ओनली टू हाउ टू मेक द ओन गोल चार्ट एंड विश लिस्ट, दैट इज़ अ डिफरेंट प्रोग्राम, पूरा 1 डे का प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम्स आर 1 डे प्रोग्राम। एक दिन हम उनको मेमोरी पावर, कॉन्सेंट्रेशन कैसे करना वो सिखाएंगे, सेकेंड डे हम उनको गोल चार्ट विश लिस्ट कैसे बनाने का खुद का वो सिखाएंगे, सो थर्ड डे इज ड्रॉइंग, हाउ टू ड्रॉ, क्योंकि ड्रॉइंग एंड कलर थेरेपी इज ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट।
देन हैंड राइटिंग एनालिसिस. आजकल के बच्चों लोग का हैंड राइटिंग देखो, यू कान अंडरस्टैंड एंड यू कान मेक देम ऑल्सो राइट प्रॉपरली. सो हियर ऑल्सो वी टीच देम वॉट इज द साइंस बिहाइंड ईच लेटर्स. ग्राफोलॉजी करके एक सब्जेक्ट है हमारे इसमें स्पिरिचुअल साइंस में, वे वी टीच देम कि एक एक लेटर्स का इम्पोर्टेंस कैसे माइंड से कनेक्टेड रहता है एंड कैसे वो आपके लाइफ से भी कनेक्टेड है. इफ़ यू इम्प्रूव ऑन दैट सो योर लाइफ विल चेंज. योर डेस्टिनी इज इन योर ओन हैंड्स. सी एवरी वन्स डेस्टिनी इज इन देयर ओन हैंड्स. वी कांट ब्लेम एनी वन, नॉट इवन आर पेरेंट्स, नॉट इवन आर रिलेशंस, नॉट इवन आर हस्बैंड वाइफ. किसको भी हम किसको ब्लेम नहीं कर सकते. द चिल्ड्रन कांट ब्लेम देयर पेरेंट्स, द पेरेंट्स कांट ब्लेम देयर चिल्ड्रन. सो वी हैव ऑल द सोल्यूशंस फॉर दिस. वील टीच देम एवरीथिंग एंड देन वील गिव दैट गाइडलाइंस टू द पेरेंट्स ऑल्सो. वन डे हमारे जो सेशंस 5 days का है उसमें लास्ट डे हम पेरेंट्स लोग का एक मीटिंग रखेंगे जहाँ हम पेरेंट्स लोग को गाइडलाइंस देंगे कि वॉट ऑल यू शुड डू. कि हमको अभी मालूम पड़ा 4 दिन में बच्चा कैसा है, क्या है, क्या वीक पॉइंट्स है, क्या उसका स्ट्रेंथ्स है, दैट विल एक्सप्लेन टू द पेरेंट्स. देन ऑटोमेटिकली वी कांट फोर्स एनी वन. इफ पेरेंट्स आर विलिंग द चाइल्ड शुड कम टू अ गुड सोसाइटी, गुड दिस थिंग, देन दे विल नेचुरली बी अटैच टू अस. What? Next is dance and music creates energy. See, now in our science we teach ki chakra meditation and everything we teach. But this also does the same thing. When you do singing, when you do dance, na, that also activates your mind power, your concentration power, your chakras power, everything. So either bhi parents log isko bhi bahut bachche log ko support dena chahiye. उनको जो अच्छा लगता है करो. एक सेइंग है कि डोंट बोलता है कि बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट मत करो पर बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करो. समझ में? हम क्या सोचते हैं, अभी डांस को डालेंगे तो 1000 खर्चा आएगा, म्यूजिक को डालेगा तो 1000 खर्चा आएगा. वी सी द पैसे का पार्ट बट वी डोंट सी कि आज का दिन हम उनको वो पैसा 1000 डालेगा, यही बच्चा आगे जाके वो 1000 का लाख रुपया कमा भी सकता है वही क्वालिटी के ऊपर. समझ में आया? तो ये हमको इधर बहुत देखना मानता है. आजकल बच्चे लोगों को खाली क्लासेस में डालते हैं, क्लासेस के बगैर इसमें डालो. सुबह मैथ्स क्लास अलग, दोपहर को राइटिंग क्लास अलग, शाम को इंग्लिश का ग्रामर के लिए अलग. वाई दैट डिफरेंट क्लासेस फॉर वन चाइल्ड ओनली? इंस्टेड पुट इन दिस डिफरेंट क्लासेस. यहाँ से भी उनका ब्रेन पावर बढ़ेगा, उनका कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ेगा, तो नेचुरली दैट विल इफेक्ट विद द स्टडीज, with their health, with their growth. ये science इनको समझ में नहीं आता बच्चों को. Start appreciating your child, जो भी उन्होंने record किया है, जिधर भी उनको अच्छा मिला है, start making a this thing file of it. इसमें ये बच्चे का confidence बढ़ता है. ये actually मैंने भी किया. I showed my colleagues day before yesterday everything of my son. जिधर भी उसने वो जो किया था उसका records रखा है, अचीवमेंट्स उसका रिकॉर्ड्स रखा है, उसका फोटोग्राफ्स रखा. तो आज के दिन जब वो देखता है ना तो वो और मोटिवेट होता है. सेल्फ मोटिवेशन, दिस गिव्स अ सेल्फ मोटिवेशन टू देयर चाइल्ड, टू योर चाइल्ड. दिस इज नेसेसरी फॉर द पेरेंट्स टू डू व्हेन चाइल्ड्स आर यंग. बट हैज ही ग्रोज ही स्टार्ट डूइंग इन सेल्फ. उसको खुद को सिखाना चाहिए कि आप इसके रिकॉर्ड्स रखो, रिकॉर्ड्स रखा करो. Like any other job, parenting can be fun, sad, exciting, boring, satisfying and frustrating. Adults should have realistic expectations about parenting. Got it? Influences outside the family such as peers, adults other than parents and media affects children in healthy or unhealthy way. Idhar sab humko jyada dhyan dena chahiye. See, child is looking for love and attention at home. Yeah. If it's not getting it at home, the child is likely to seek it outside home. Very so true. The one who is to be blamed are the parents. Right. Very if true. If that is done, this problem will not arise. Not arise. Right. Very true. This is very true. See, all persons require love. Sabke wo bacha ho, young age ho, buda ho. Sabka main problem ka hai love. When the appreciation, both respect also together. वो जब नहीं मिलता है ना, then they start searching outside.
एंड आउटसाइड भले वो सामने का आदमी उसको फंसा रहा है पर वो लव से फंसा रहा है, ही विल गेट अटैच टू दैट एंड फिर ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है. समझ में? ह्यूमंस आर नॉट परफेक्ट, सो नो वन कैन बी अ परफेक्ट पेरेंट. मेचर एडल्ट शुड स्ट्राइव टू बिकम कॉम्पिटेंट पेरेंट्स, नॉट परफेक्ट पेरेंट्स. ये हम वी गो टू बिकम परफेक्ट पेरेंट्स, दैट टाइम हम हमारा वो सब फॉल्ट्स निकलता है बाहर. डोंट बिक, नो पेरेंटिंग इज परफेक्ट. यू कैंट बिकम अ परफेक्ट पेरेंट्स. आपके भी कुछ ड्रॉबैक्स है, आपके भी कुछ वीक पॉइंट्स है. हाउ कैन यू से दैट आई एम अ परफेक्ट पेरेंट? यू कैन नेवर, नो बडी कैन बिकम परफेक्ट पेरेंट. बट वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, दैट इज द मेन थिंग. लर्न द आर्ट ऑफ पेरेंटिंग. Learn it through books, learn it to videos, learn it to seminars, anything, but learn it. That time you will become a right parent, not perfect, but a right parent. Methods to improve child-parent relation: play games with the child, casual conversation, bring the child to new places, reward him. Ye to hum karte hi nahi, we reward others' child. We reward others, jaake gift denge, but apna bachcha kab kuch karta hai, to usko bhi kuch gift diya karo. उसको कुछ अच्छे दिया करो. गेम्स खेलो बच्चे के साथ, डांस करो. आई एम स्टिल डांसिंग विथ माई सन, यू कैन आस्क माय गाइस. वी प्ले गेम्स, वी डांस, एवरीथिंग. व्हाई? बिकॉज लाइफ इज एन्जॉयमेंट. इफ यू गो इन दैट वे, नो, वी आर फ्री विद द चाइल्ड. वे यू हैव स्टिकनेस, आई हैव ऑल्सो बिटन माई चाइल्ड, आई हैव ऑल्सो स्कोल्डेड माई चाइल्ड. नॉट दैट आई हैव नॉट स्कोल्डेड, नॉट बिटन. टाइम्स जब रिक्वायर्ड था तब आई हैव बिहेव्ड इन दैट वे ओनली. सो उसको लगा होगा कि कितना स्ट्रिक्ट पेरेंट्स है, बट सडनली आई चेंज माई क्वालिटी. तो उधर वो डिफरेंस हो जाता है. स्ट्रिक्टनेस भी था, लव भी था, सब था, पर वो टाइम जैसा डिमांड करता है, वी हैव टू बी अकॉर्डिंग टू दैट टाइम. द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियर्स, फीलिंग्स एंड एक्सपेक्टेशंस दैट आर यूनिक टू अ पर्टिकुलर पेरेंट एंड पर्टिकुलर चाइल्ड. दिस आई हैड टोल्ड बिफोर ऑल्सो. Parenting is the process of promoting and supporting the physical, emotional, social and intellectual development of the child, which is having different styles, child rear. Here I told you the bow and arrows example. Means you have to give them support in physical, emotional, social, intellectual development. You become the bow, not the arrow. We try to become the arrow for the child. Fir udhar sab difficulties hote hain. There are mainly many factors which influence the relationship, but parent-child relationship can be maintained by various ways, as appreciating the child, taking him to new places, casual conversation between parents and children. Ye sab ek summary form kiya hai iske. When children have the freedom to develop their inner authority and stay connected to their authentic selves, they become fuller human beings, and the adults who ensure this freedom regain what we lost in our own childhoods. Got it? At the happiest and in a state of absolute freedom, the human potential is truly boundless. When children are really happy from inside, unka jo energy is nikalta hai na, it's boundless. And you can't compare that energy even with your own child, different child. Means jo main, I told you before, brothers and sisters. Brother ka alag energy niklega bahar, sister ka alag energy bahar niklega. If they are in the happiest moment. Children are deeply connected to the source and cannot be disconnected. They are deeply connected with the five elements. And idhar hum unko bondages dalenge, to idhar unka problems yahi se start hota hai. Children have come into the physical world fully equipped with innate powers and potentialities. Parenting is gardening. The universe blossoms in face of child. By bringing out the best in your child, you bring out the best in the universe. Not it. Parenting is enjoying, smiling together, singing songs, playing together with your child are most enjoyable moments of your life. One point I'll tell you certain things. Ki it will be a guideline to the. We have time, no, sir. It will be a guideline to the parents also who will watch this video. Actually, these are the tips. First tip is that
teach how to be happy and how to be successful. We should always teach the child to be happy and successful, not competitive way, but in a healthy way. The second point is, don't compare the children, especially in studies, even though they are brothers and sisters. That I told you in the explanation only. Do not live your childhood desires in your child, unfulfilled desires in your child, your complexes, rather than help them to come out of this. Means, if we will not put our unfulfilled desires on them and unfulfilled complexes on them, the time will come when we are in that situation, our child only will help us to come out of that. If we have brought the child in the proper way, okay, they'll guide us. See, it's not that parents always should guide the child. Child also can guide the parents. But idhar kya hota hai Indian society mein, bachcha hamesha bachcha hi rehta hai. Bachcha ko kuch bhi puchega, bachcha kuch bhi bola, tu chup baith, tu bachcha hai. Aisa hota hai. Hai kya nahi? तो ये नहीं बोला जाना चाहिए. बच्चा है पर उसके अंदर भी वो कुछ क्वालिटीज लेके आया है ना. तो यू शुड लिसन. कहीं कहीं बच्चे लोग का भी इतना अच्छा राइट डिसीजंस रहता है ना, जो पेरेंट्स वो डिफिकल्ट टाइम से निकल जाते हैं हर बार. या राइट You have and to do it. You get the solution. Yeah, you get good sir, because he is a part of the family. Why to keep him separate? क्या होता है parents लोगों को नहीं नहीं बच्चे लोगों को अभी से नहीं छुपाते फिर वो बच्चा सबसे छुपता है. Right. He उसको respect दिया जाता है ना. तो he sees कि हाँ चलो मेरे को respect मेरे को पूछ रहे हैं. I should try to help my parents out of this. So through it is see. But क्या होता है उनको separate किया जाता है. फिर जब बड़े होते हैं तब भी बच्चे लोग separate ही. हाँ ऐसे करके होता है. एंड फिर जब बड़े होते हैं they automatically भी separate हो जाते हैं. फिर तब parents को लगता है कि अब हमको बच्चे देखना चाहिए, अब हमको parents को पूछना चाहिए. तो तब वो मिलता नहीं है क्योंकि हमने उनको दिया ही नहीं है वो guidelines. Foreign में देते हैं. इसके लिए वो relationship भी वैसे ही रहता है. देखो उनका Many small children are emergency numbers. Yes, yes. सबका knowledge देना चाहिए बच्चे लोगों को. वही तो main है. Then I told you that give quality time, not quantity time. I told that also. Education must be taught to develop the system. That is the thinking process, writing process, and learning process. Actually, you know, Marwadi Gujaratis में we say they become successful businessmen. Why? Because they give importance to three things: learning, writing, and calculations. Right? वो वही बोलते हैं कि बच्चा खाली calculate करने को सीखेगा तो बस, पढ़ने को आएगा तो बस, और कुछ भी read करने को आएगा तो बस इसको. वो life उसका जिएगा. And यही base पे वो लोग का business देखो कैसे चलता है. See all the hoteliers, all the Marwadi जो jewelers हैं, they are not highly educated. है क्या नहीं. इवन हम ऐसे भी देखेंगे जनरली तो ऑल दिस हाईली बिजनेसमैन जो अभी एकदम नाम है बिल गेट्स दे आर ऑल ड्रॉप आउट्स फ्रॉम द स्कूल. दे वर नॉट एडुकेटेड. दे हैड नो सर्टिफिकेट्स बट दे केम अप विद देयर ओन टैलेंट. है क्या नहीं. यही है ना. वो बुक पढ़ने से रियल एजुकेशन नहीं मिलता है. व्हाट एजुकेशन सिस्टम इज लाइक दैट ओनली. नो Who can change the system? Nobody. It is only a support. You must have that certificate. ये educated है करके. But that certificate भी आजकल नहीं count करता है. आप कितने भी certificates लेके जाओ job के लिए कहाँ उसको value है. They ask you other talents only. Job में भी आज तुम्हारा अलग talents ही पूछा जाते हैं. What count होता है उधर. है कि नहीं. That is true. And if you see in the world is run by common people. Highly intelligent jo even in school education up to 10th 12th mein barobar 10th rank mein jo aata hai wo upar zyada nahi rehta hai. Barobar hai. Main abhi first mein aapko wahi bola na ki jo merit list mein ek bar aata hai 10th mein 12th baad mein kahan rehta hai wo. Yeah,
अगर वो उतना ही टैलेंटेड है ही शुड कम एवरी ईयर, है क्या ना, बिकॉज उसका जो था वो जो जनरेशन था वही जनरेशन उसके साथ ही रहेगा एवरी ईयर, है कि नहीं. ये क्यों होता है ऐसे डिफ्रेंसिएशन. नेक्स्ट इज नावडेज मेन प्रॉब्लम्स कैन नावडेज मेनी प्रॉब्लम कैन कॉन्सेंट्रेट मोस्टली नो चाइल्ड इज क्लेवर और डल बट दे डोंट हैव अ गोल इन देयर लाइफ. So, inspire their goal, become like bow and arrow, which I told you just now. We should inspire a child's goal. उसका goal क्या है उसको देखो, उसको बनाने को बोलो, उसको सिखाओ goal बनाने के लिए, उसको wish list बनाने को सिखाओ. और वो जो बना है उसके ऊपर देखो आप क्या कर रहा है, वो किधर उसका ध्यान जा रहा है. तो उसके लिए हम फिर उसको backing दो, उसके लिए उसको support दो आप, तो देखो फिर वो child का quality कैसे बाहर निकलता है. ऑटोमेटिकली उसका माइंड वैसे काम करने को लगे और उसका जो सप्रेस्ड क्वालिटीज है वो सब बाहर आएगा. समझ में है. ईच वन दैट इज पेरेंट्स एंड चाइल्ड नीड वैल्यू एजुकेशन टुडे. वी कांट से कि चाइल्ड को ही खाली वैल्यू एजुकेशन, पेरेंट्स को भी आज के तारीख में वैल्यू एजुकेशन बहुत नेसेसरी है. बिकॉज क्या हुआ है, एक टाइम में पेरेंट्स को राइट एजुकेशन राइट नॉलेज मिला नहीं है. जो पेरेंट्स उनके पेरेंट्स जैसे बिहेव किए हैं वही क्वालिटी वो लेके आया है एंड वही क्वालिटी वो अपने पेरेंट्स अपने डाउन लोगों को देने को निकले हैं विच इज़ वेरी लॉन्ग. आज के सोसाइटी में वो काम नहीं आ रहा है, आज के लाइफ स्टाइल में वो काम नहीं आ रहा है. वो लाइफ स्टाइल अलग था, आज के जनरेशन को ये काम नहीं हो रहा है. तो इसके लिए आज का जो जनरेशन है, आज के जो पेरेंट्स है, इनको दोनों को ये एजुकेशन सिस्टम का बहुत नेसेसरी है कि कैसे लाइफस्टाइल जिए, कैसे वो आर्ट ऑफ पेरेंटिंग करे. एंड चाइल्ड को भी नेसेसरी है कि वो उसका क्वालिटीज़ कैसे निकाले बाहर. इनको दोनों को हमको प्रॉपर एडुकेट करना चाहिए. तो ये हम हमारे इसमें सब में देते हैं, हमारे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं जो भी सेमिनार्स होते हैं इसमें हम सब नॉलेज अप टू डेट दिया जाता है. बच्चों को भी अलग से, पेरेंट्स लोग को भी अलग से, सोसाइटीज़ में जो चाहिए सोसाइटी कैसा रहना चाहिए ये भी हम इधर सब बताते हैं. आपको अभी और कुछ पूछना है तो यू कैन. एक आपने इसमें ये एक पेरेंट्स जो होता है हेलीकॉप्टर पेरेंट्स होते हैं उसके बारे में आपने कुछ कहा है. हेलीकॉप्टर पेरेंट्स मीन्स तो चेक करते हैं.